दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है दोस्तों। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर चार दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर चार दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है, और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। आज ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है दोस्तों। सौरभ भारद्वाज और तमाम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार करेगी, ईडी गिरफ्तार करेगी। तो इसको आम भाषा में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा देश से बाहर कहीं लिया दिया गया है उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व है, और उसमें उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं पकड़ में आने वाले हैं। लेकिन सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है, तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की नीति, भ्रष्टाचार से भरी हुई नीति इन्होंने शराब घोटाले में बनाई, तो शराब मंत्री का गिरफ्तार भ्रष्टाचार के आरोप में होना एक विषय था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अपने आप में एक और अनियमित अपराध है, जिसके तहत उनको अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से तैयार थी। दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं, लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है, और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियाँ हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख कर अपना शासन चलाया था, तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे, और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे।